सर मेरा सवाल है, एक जाम तारा मूवी आई है सर, जिस तरह से जाम तारा के लोग फ्रॉड करते हैं और वो अपडेट हो रहे हैं सर, तो इससे किस तरह से बचा जाए, इसके का क्या इसके जो जाम तारे का आपने अच्छा केस बताया, इसका इसमें कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जागरूकता, लोगों में वो जागरूकता नहीं है। सीरक इसके लिए भी काम कर रहा है, हमने जागरूकता के लिए काफ़ी कुछ कोर्स काम किया है, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, और अभी हम बहुत जल्द ही एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कार्टून के माध्यम से जिस तरह के फ्रॉड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लोगों को समझाएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो कहाँ जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आज के डेट में, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे मालूम नहीं है जाना कहाँ है, कहाँ रिपोर्ट करना है, तो ये भी हम बताएंगे कहाँ जाना है। और हमारा एक सिस्टम होगा जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको हम सही जगह पर पहुँचा देंगे। मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, मान लीजिए बहुत लोगों के साथ फ्रॉड होता है पर उसे लोकेशन नहीं पता पड़ता, आखिर हम कहाँ फरियाद करें, बैंक में जाए कि कहाँ जाए, तो सर कुछ बता सकते हैं अभी फिलहाल, अगर किसी के साथ मान लीजिए 1,00,000 का फ्रॉड हो गया, बैंक से पैसे कट गए, वो तो कहाँ जाए। एक बात तो है कि अगर आपको फ्रॉड होता है बैंक से, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पैसे को वापस करें। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड को हैक कर लिया गया या डेबिट कार्ड को हैक कर लिया और आपके उससे पैसा निकाल लिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स बैंक के एंड से होता है तो बैंक को आपको पैसा रिपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन उसका बैंक का कहना है कि वो आपको 2 दिन 24 घंटे के अंदर आप उसको रिपोर्ट करें सो दैट बैंक उसके ऊपर में एक्शन ले और अकॉर्डिंगली आपको पैसा रिटर्न करे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल बना हुआ है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बना हुआ है, तो उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बताना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें कि लोगों को मालूम नहीं चलता हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ है, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। वो जागरूकता पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद जब आपके साथ में कुछ फ्रॉड होता है तो आप इन एजेंसीज को अप्रोच करेंगे, साइबर सेल को अप्रोच करेंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को अप्रोच करेंगे और उनके पास जाकर सोल्यूशन लेंगे। अगर बैंक का कोई फ्रॉड हुआ है तो आपको बैंक को डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा और बैंक इस चीज़ का टेक केयर करेगी, आपको पैसा रिटर्न करेगी। एक जिक्र अभी हॉल के अंदर सुने थे, एक जनधन खाते का जिक्र हुआ कि जब से जनधन खाता आया है सभी लोगों के पास अकाउंट हो गए, पर ऐसे लोग जो कि अकाउंट सही से एक्सेस नहीं कर पाते हैं वह क्या करें? और सर जागरूकता के मामले में कोई भी कंपनी, नया कंपनी आती है तो ऐड बहुत सारे आने लगते हैं, तो आप कुछ ऐसे ऐड लाइए जो कि लोगों से रूबरू हो सके, लोग समझ सकें, तो इसके बारे में क्या कुछ? हमने जैसा बताया कि हम एक बहुत ही जल्दी ऐप लॉन्च करने वाले हैं और ये मल्टीपल भाषा में होगा। हम उसमें बिहार के विभिन्न भाषाओं जहाँ पर होता है, जैसे मघी है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, इस भाषाओं में भी डालेंगे। इसके अलावा जो भारत की अन्य विषय भाषाएं हैं उसके उसमें भी डालेंगे। सो एक व्यक्ति जो अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर सकता है वो इन चीज़ को पढ़ के समझ सकेगा। जितने भी तरह के इस तरह के फ्रॉड होते हैं उसका उसमें डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, उसमें ये बताया जाएगा कि आप कैसे इस फ्रॉड से बचें, आपको जानकारी दी जाएगी, प्लस अगर फ्रॉड हुआ है तो आप कैसे कहाँ जा करके इसकी रिपोर्ट करेंगे। अगर आप कहीं नहीं जाते हैं तो हमने उसमें अपना एड्रेस भी दे रखा है, हमारे फ़ोन नंबर्स भी देंगे जहाँ आप डायरेक्टली फ़ोन करके कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऐप हमारा प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल होगा और जो मोबाइल सेवा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल होगा, वहाँ से डाउनलोड करके हम इस पर काम कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, यूट्यूब फ्रॉड स्ट्राइक, आजकल बहुत सारे यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनका मिलियन सब्सक्राइबर है और उस पर फ्रॉड कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, उससे कैसे बचे सर, उसका सॉल्यूशन क्या है? यूट्यूब का जो फ्रॉड का जो सिस्टम है इसके ऊपर में अभी इसके ऊपर हमारी टीम तो काम कर रही है। जो आपने बोला कि किसी को 10 मिलियन किसी को या गया और किसी को चोरी करके अपना ये काम हो गया, इसके बारे में लोग काम कर रहे हैं। अभी बहुत डिटेल से बता नहीं सकूंगा अभी, लेकिन इसके ऊपर में लोग काम कर रहे हैं। एक तो वो हो गया, दूसरा चीज़ हो गया कि जो फेक वाली सिस्टम है, फेक सिस्टम जो आती है, तो उसके लिए AI बेस्ड सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। AI बेस्ड एक कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है और फेक सिस्टम को कैसे हैंडल करना है मैनुअली नहीं पॉसिबल है,
इसको हमेशा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर में काम हो रहा है, काफ़ी रिसर्च कर रहा है, हम सीरक में भी काम कर रहे हैं और एक भारत का जो एक साइबर सिक्योरिटी एक स्ट्रेटजी है और फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर में जिससे जो भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों है उसको हैंडल करना, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और होप करते हैं कि अगले साल डेढ़ साल दो साल के अंदर हम इतने इनेबल हो जाएंगे इन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ।